एनएसयूआई ने एबीपी छात्र संगठन पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। स्कूल कॉलेजों में जबरन 5 रुपए की पर्ची काटी जा रही है और विद्यालयों में भी छात्रों को राजनीति में धकेला जा रहा है। उसी को लेकर आज एनएसयूआई संगठन द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते कई दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के द्वारा स्कूलों में जबरन घुसकर गुंडागर्दी कर अधिकारियों व स्टाफ के समर्थन से कक्षाओं में जाकर 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की उम्र के छात्रों को जबरदस्ती सदस्यता कराई जा रही है। नाबालिग बच्चों के साथ दबाव बनाकर उनसे पैसे वसूल कर सदस्यता रसीद काट कर सदस्य बनाकर उनको जबरन राजनीतिक दलदल में ढकेला जा रहा है, जबकि अभी छात्रों को सामाजिक स्तर पर उनको अच्छे व्यवहार आचरण और अच्छी शिक्षा देने का समय है। एनएसयूआई ऐसे नाबालिग सदस्यों का जबरन राजनीतिकरण करने नहीं देगी। अंत एबीपी के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे, हमारी प्रमुख मांग ये थी कि जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक संगठन है, छात्र संगठन एबीवीपी, अभी वो क्या करता था, केवल और केवल महाविद्यालयों में जबरदस्ती छात्रों से पर्ची कटवाने का काम करता था और सदस्य बनाने का काम करता था। अभी वर्तमान में क्या किए इन लोगों ने, कॉलेजों की जगह स्कूलों में भी सदस्यता अभियान चलाने का काम शुरू किया है। तो हमारा मानना ये है कि जो कॉलेजों में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, क्या जो वोट देने के अभी अधिकार नहीं है छात्र, जो अभी छात्र बेचारे 5वीं 6वीं क्लास में, उनको सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी की क्या साबित करना चाहते हैं। दूसरी एक जो मामला था हम लोगों का, भोपाल में अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, पर्ची काटने गए थे सरकारी महाविद्यालयों में एबीवीपी के गुंडे, और पर्ची काटते समय प्रिंसिपल ने मना किया कि आप पर्ची मत काटो, तो मारपीट हो गई और उसका सर फोड़ दिया गया और वो हॉस्पिटल में प्रचार भर्ती। ये गलत है और इस पर कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई।